तस्वीरों में नजर आ रही ये महिलाएं मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुए सबसे बड़े बदलाव की रोल मॉडल हैं। इनकी चर्चा केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है बल्कि पूरे देश में उनके नाम का डंका बज रहा है। इन महिलाओं ने एक नई इबारत लिख दी है। उनके पास आगर मालवा जिले के चाचाखेड़ी गांव में स्थित टोल प्लाजा की कमान है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी टोल प्लाजा को पूरी तरह से महिलाएं संचालित कर रही हैं। शिवराज सरकार ने हाल ही में राज्य के 3 जिलों में टोल टैक्स कलेक्शन का जिम्मा महिला स्वसहायता समूह को दिया है। शाजापुर नलखेड़ा मार्ग पर स्थित इस टोल प्लाजा का संचालन अब ज्योति स्वसहायता समूह के हाथों में है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें और बहुत खुशी भी है कि हम महिलाओं को इस लायक समझा कि ये कुछ कर सकती है और हमें स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लिए योजना चलाई है और ये टोल प्लाजा हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कभी भी कि हमें ऐसा मौका मिलेगा, तो हमें बहुत खुशी है। इसमें हम सब महिलाएं मिलकर काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। इसमें हमें यहाँ और सभी महिला गाँव की है यहाँ पर, तो हमें गाँव की महिलाओं को गाँव में ही ये जो रोजगार का मौका मिला। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं यहाँ पे? हम 18 महिला हैं। हाँ, हमें संभालते हैं ये नल। कहाँ से? चाचा खेड़ी से, शाजापुर नलखेड़ा। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी होती है। और हम मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई, इससे 2009 से जुड़ी हुई हूँ स्वयं सहायता समूह से। तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ, कृषि CRP का भी करती हूँ और ये नई नई चीज भी सीखने को मिल रही है। गाड़ी वाले भी आते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा भी करता है। इस टोल प्लाजा को 18 महिलाओं की फौज संचालित कर रही है। इसमें से कुछ पहले गृहिणियां थी जो स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। तो कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ के होने वाली आय से अधिकारी बनने के अपने सपने पूरा करना चाहते है। ये बताइए, आप एक टोल संभाल रहे हो, किस तरह का अनुभव नया आपको मिल रहा है? पढ़ाई भी कर रहे हो क्या, और कैसा बदलाव आया जीवन में? सर, हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम महिलाएं भी टोल संभाल सकते हैं और अच्छा लगा टोल संभाल। आप पढ़ाई भी करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको टोल का भी अनुभव मिला? तो हाँ, मिला। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर हम, और पढ़ाई के साथ साथ टोल भी संभाल लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। आगे और क्या सपने हैं आप? आगे सर सपना है कि अधिकारी बने। ये टोल नलखेड़ा से शाजापुर तक जाता है और हमें टोल पे बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे? हाँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और टोल का भी संभाल रही हूँ। आगे क्या सपना है आपका? सर, मेरा सपना है कि मैं ITS बनूँ और अभी फिलहाल में मैं छोटे से गांव में टोल पे काम कर रही हूँ। सर, हमें शासन ने बहुत अच्छी मदद दी, हम चलाने के लिए बहुत अच्छी मदद दी है और इससे हम पढ़ाई में हमारे सपोर्ट मिलेगा। शिवराज सरकार ने हाल ही में राज्य के 3 जिलों में टोल टैक्स कलेक्शन का जिम्मा महिला स्वसहायता समूह को दिया है। यह ऐतिहासिक पहल राज्य मंत्रिमंडल के उस निर्णय के कारण संभव हो सकी है जिसके अनुसार 2 करोड़ रुपए तक कलेक्शन वाले टोल प्लाजा का प्रबंधन महिला स्वसहायता समूहों को दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके।